राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि, तो मित्रों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि राजकुमार बासु कहता है उस श्रीनिवास को तो मैं बाद में दंड दूंगा, किंतु उससे पूर्व मुझे वेंकटेश को पाठ सिखाना आवश्यक है। और कहता है कुमार बासु, तुम मेरा साथ दोगी ना? और फिर भार्या कहती है अवश्य कुमार, आपको संदेह है मुझ पर? और फिर तभी कहता है राजकुमार बासु, उसके लिए हमें विवाह करना होगा भार्या। और तभी भार्या कहती है, क्या मैं भला आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ, मेरा विवाह तो पहले हो चुका है ना वेंकटेश से। और फिर तभी राजकुमार बासु कहता है, तुम तो वैसे भी मेरे साथ वेंकटगिरी चलने वाली थी ना, तो भूल जाओ वेंकटेश को, चलो मेरे साथ भार्या, हम आज ही विवाह कर लेते हैं। और तभी भार्या कहती है, कुमार रुकिए ना, मेरा बड़ा मन था कि आपसे अत्यंत सुंदर और सर्वश्रेष्ठ वस्त्रों और आभूषणों में विवाह करूं। और कहती है, अभी देखिए ना, मेरे पास तो सुंदर वस्त्र और आभूषण भी नहीं है। और फिर कुमार बासु कहता है, यदि तुम यही चाहती तो ठीक है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है, अभी कुछ ही क्षणों में मुझे करबीरपुर छोड़कर जाना होगा नारायण, किंतु उससे पूर्व मैं एक अंतिम बार श्रीनिवास और वेंकटेश से मिलना चाहती हूँ। श्रीनिवास मुझसे मिलेगा या नहीं ये तो मैं नहीं जानती, तो एक आशा है कि केवल एक बार मुझसे मिल ले। और वेंकटेश को मेरी सहायता करने के लिए मैं उसे धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और फिर आगे भार्गवी कहती है, वेंकटेश ने सदैव उचित समय पर स्वार्थ होकर मेरी सहायता की है, इसके पीछे अवश्य ही कोई कारण होगा ना, हमारे मध्य कोई तो संबंध अवश्य है, अन्यथा ऐसे बिना जाने कोई किसी की सहायता क्यों करेगा। और फिर भार्गवी कहती है, सहायता कीजिए मेरी नारायण, एक अंतिम बार श्रीनिवास को मेरे पास भेज दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए कि मेरे और वेंकटेश के मध्य क्या संबंध है, ताकि जब मैं एक अंतिम बार वेंकटेश से मिलूं तो मेरे मन में कोई संदेह ना रहे उसके प्रति, जिसने मेरी इतनी सहायता की है, मेरी सहायता कीजिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि भार्या राजकुमार बासु का हाथ अपने ऊपर से हटाकर वहां से भागती हैं, और तभी भार्या का रुपट्टा श्रीनिवास पकड़ लेते हैं और भार्या को लगता है कि राजकुमार बासु ने पकड़ लिया। और तभी भार्या कहती हैं, हे महादेव मेरी रक्षा करना, मुझे साहस देना। और कहते हैं, राजकुमार बासु मुझे निंद्रा नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर। और तभी भार्या देखती हैं श्रीनिवास को और कहती हैं, श्री तुम? और कहते हैं गोविंदराज, श्री तुम ना किसी दिन मुझे भयभीत करके मेरे प्राण ही ले लोगे, चलो ठीक है, अच्छा ही हुआ कि तुम यही मिल गए, अब तुम आई गए हो तो हम शीघ्र अति शीघ्र अपना सामान बांध कर यहाँ से भाग चलते हैं। और बताते गोविंदराज, इस बासु ने निर्णय कर लिया है कि ये मुझसे विवाह करके ही रहेगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, अब चाहिए जो कुछ भी कर ले, अभी भागने का समय नहीं आया है, अभी एक अंतिम कार्य शेष है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य शेष है, इसमें मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। और फिर गोविंदराज कहते हैं, क्या कह रहे हो तुम, समझ में आ रहा है तुम्हें कुछ, ये मुझसे विवाह करने वाला है, विवाह की बात चल रही मेरी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, योजना तो सुन लीजिए। और फिर श्रीनिवास गोविंदराज के कान में योजना बताते हैं और कहते हैं, श्रीनिवास समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ या ना? और फिर भार्या कहती है, और कोई विकल्प है मेरे पास? और कहते हैं, श्रीनिवास आप पुनः लौट जाइए उसी कक्ष में। और फिर गोविंदराज कहते हैं, देख लूंगा मैं तुम्हें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, चलो अब एक अंतिम कार्य शेष है। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, जैसे पिता के लिए अपनी पुत्री की सुरक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अब यही सुरक्षा ऋषि भृगु और राजा आकाश को करबीरपुर ले आएगी। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हे आराध्य, अब इसके आगे जो मैं करने जा रहा हूँ उसके लिए मुझे पुनः एक बार आपकी सहायता की आवश्यकता होगी, हर हर महादेव। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, महर्षि भृगु और राजा आकाश को दो सपने आता है अपनी अपनी पुत्री के विषय में। और तभी भार्गवी की माँ कहती है, ऋषि भृगु से क्या हुआ, आपने कोई दो सपने देखा क्या? और फिर ऋषि भृगु बताते हैं, मैंने देखा कि भार्गवी घोर संकट में है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महाराज आकाश के सेवक कहते हैं, क्या हुआ राजन? और फिर राजन बताते हैं, पद्मा संकट में है, मुझे अभी इसी क्षण प्रस्थान करना होगा, सेना सज्ज करो। और महर्षि भृगु भी कहते हैं, हमें इसी क्षण
कबीरपुर जाना होगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं सारे पहिए अपनी गति से चल रहे हैं, अब प्रतीक्षा है तो सही समय की। तत्पश्चात मैं और भार्गवी पुनः एक हो जाएंगे। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी को निंद्रा नहीं आ रही होती है और तभी द्वार खटकने लगते हैं। और फिर भार्गवी उठती हैं और कहती हैं इतनी रात्रि में द्वार पर कौन होगा। और फिर स्मरण करती हैं कहीं श्रीनिवास तो नहीं आया मुझसे मिलने। और फिर भार्गवी अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं और द्वार खोलती हैं और देखती हैं वेंकटेश को। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि वेंकटेश कहते हैं भार्गवी से द्वार खुलने से पूर्व मुख पे मुस्कुराहट, और द्वार खुलते ही सामने वाले को देखते ही मुस्कुराहट कहीं अदृश्य हो गई है। इसका मात्र एक ही अर्थ है, किसी और की प्रतीक्षा की जा रही थी, मेरी नहीं, बराबर ना। और फिर भार्गवी कहती है हाँ, और कहती है मेरे बिना कुछ कहे ही एक बार पुनः, आप मेरे मन की बात समझ गए हैं। और फिर भार्गवी बताती है मैं श्रीनिवास की प्रतीक्षा कर रही थी। और फिर वेंकटेश कहते हैं कोई बात नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, रात्रि के इस समय में मैंने आपका ऐसे समय व्यर्थ कर दिया, प्रातः काल में मैं आपसे भेंट करता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ, ठीक है, नमस्कार। और तभी भार्गवी कहती है नहीं नहीं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि आपके आने से मुझे प्रसन्नता नहीं हुई। और फिर भार्गवी कहती है मैं तो स्वयं आपसे मिलना चाहती थी। और फिर वेंकटेश कहते हैं सच में। और फिर भार्गवी कहती है हाँ। और वेंकटेश कहते हैं अच्छा लगा सुन के, मुझे एक बात बताइए, मैं इस बात पर विश्वास कैसे करूँ, कैसे मान लूँ कि आप वास्तव में मुझसे बात करना चाहती थी, मेरी प्रतीक्षा कर रही थी, हमारा ऐसा संबंध है ही क्या। और फिर कहते हैं वेंकटेश क्या विचार कर रही हैं आप, देखिए क्षमा कीजिए, मुझे कुछ अनुचित नहीं कहना था, सत्य में नहीं जानता कि आप मेरे विषय में क्या सोचती हैं, मुझे क्या समझती हैं, क्या संबंध है हमारा, क्या आप मुझे अपना मित्र समझती हैं, शुभचिंतक समझती हैं, कोई परिचित व्यक्ति जिसके जाने के कुछ समय पश्चात आप उसे भूल जाएंगी। और फिर वेंकटेश आगे कहते हैं ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बहुत रात्रि हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। और फिर वेंकटेश कहते हैं नमस्कार और जा रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और तभी भार्गवी कहती है हे नारायण, वेंकटेश को जाते हुए देखकर मुझे वैसी व्याकुलता क्यों हो रही है कि जैसे श्रीनिवास को जाते हुए देखकर हो रही थी, क्या है मेरे मन में जो मैं स्वयं से भी व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। और फिर भार्गवी कहती है हे नारायण, मुझे मेरी इन भावनाओं को समझने में मेरी सहायता कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि और फिर तभी नारायण के समक्ष जो मोर पंख भार्गवी ने रखा हुआ होता है, वही मोर पंख नारायण की कृपा से भार्गवी के हाथ में आ जाता है। और फिर भार्गवी उस मोर पंख को देखती हैं और स्मरण करती हैं, यही मोर पंख तो मैंने नारायण के समक्ष रखा था मंदिर में। और फिर श्रीनिवास कहते हैं ये मोर पंख जो तुम यहाँ छोड़ कर गई हो, यही तुम्हें आभास करवाएगा कि तुम्हारे मन में वेंकटेश के लिए प्रेम है, किंतु ये तभी संभव होगा जब इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए तीव्र इच्छा तुम्हारे मन में जागेगी भार्गवी, और मुझे आशा है कि ये भी शीघ्र ही होगा। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं वेंकटेश की बात को, ये कन्या ना जब शीघ्र ही मुस्कुराएगी ना, तो दूध दही माखन सब आपका, ये मोर पंख था जो आपके पाँव में लगा, काटा नहीं, देखो उस व्यक्ति को भार्गवी, उसके मुख पर प्रसन्नता, तो मेरा मन आशांत हो गया, कदाचित इसलिए जो आपने मुझे ये मोर पंख दिया था ना, ये हमारे संबंध का संकेत है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।